एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं अभी जा रहा हूँ ईशा फाउंडेशन बैंगलोर, जो कि चिकबलापुर में है। और ये बैंगलोर जो मेन सिटी है, मेन सिटी से लगभग 70-75 किलोमीटर दूर है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं ईशा फाउंडेशन। और उधर जो साउंड एंड लाइट जो शो है वो भी मैं दिखाऊँगा। इसीलिए मैं दोपहर के बाद निकला हूँ बैंगलोर से और मैं अभी रास्ते में हूँ। तो चलो चलते हैं, देखते हैं ईशा फाउंडेशन ने कैसे करके बनाया है और अभी कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ वो भी देखेंगे, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आया था तब कंप्लीट नहीं हुआ था और अभी शायद कंप्लीट हो गया है। तो चलो चल के देखते हैं। और ये जो जगह है, ये जगह आप लोग जाओगे एयरपोर्ट, बेंगलोर जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का जो रोड है उसी तरफ से आप लोगों को जाना पड़ेगा। और अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो इसके बारे में, अगर कुछ पूछना है मैं कमेंट सेक्शन में आंसर दे दूंगा। तो चलो चलते हैं। तो देखिए, लगभग हम लोग पहुंच गए हैं और ये जो गेट है, ये गेट से लगभग 2 किलोमीटर बाद आदि योगी का स्टैचू है। तो अभी बात करेंगे कैसे करके ये जगह जाना है। अगर आप लोग मैजिस्टिक से बस में जाते हो तो कभी कभी बस मिल जाएगी आप लोगों को मैजिस्टिक से डायरेक्ट ये ईशा फाउंडेशन तक। लेकिन बस का टाइमिंग क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बस मिलता है, कभी कभी बस मिलता है। या फिर आप लोग और एक काम कर सकते हो, आप लोग बस लेकर जा सकते हो चिकबलापुर। चिकबलापुर पहुँचने के बाद उधर से आप लोग ऑटो ले लो। ऑटो में शायद 15-20 मिनट लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस उधर से बहुत ही कम है, लगभग 5-10 किलोमीटर ही होगा। और नहीं तो आप लोग और एक काम कर सकते हो, आप लोग कोई कार रेंट लेकर इधर जा सकते हो। कार अगर आप लोग रेंट लेते हो तो फिर लगभग 3000-4000 बेंगलोर सिटी से लग जाएगी अगर आप लोग कार लेते हो। और एक बात, अगर आप लोगों को ये लाइट एंड साउंड शो देखना है, लाइट एंड साउंड शो 7 PM स्टार्टिंग होता है और 7 PM से 8 PM तक होता है। तो ये शो अगर आप लोगों को देखना है तो मैं तो बोलूँगा कि आप लोग दोपहर के बाद बेंगलोर से निकलिए, क्योंकि बेंगलोर से ये जगह लगभग 2 आवर्स लगता है। तो 2 आवर्स में आप लोग पहुँच जाओगे। अगर दोपहर के बाद निकलोगे तो शाम 4 बजे तक इधर पहुंच जाओ, और शाम 4 बजे तक पहुंचने के बाद थोड़ा घूम घूम लो, उसके बाद लाइट एंड साउंड शो देखकर आप लोग वापस जा सकते हो। यहाँ पे उतर के आप लोगों को बैग में आप लोगों का शूज़ देना पड़ेगा। और जब आप लोग यहाँ से अंदर जाओगे और अंदर जाके उधर जो एग्ज़िट है, एग्ज़िट के तरफ जब आप लोग जाओगे तो उधर ही आप लोगों को शूज़ मिलेगी, आप लोगों को टोकन दे देगा। और ये जो शूज़ रखने का जो जगह है, यहाँ पे कोई भी कुछ पेमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे शूज़ रखकर आप लोग अंदर चला जाओ और अंदर जाके दर्शन लेकर अंदर चलिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ ईशा फाउंडेशन के अंदर। ये जगह बहुत ही अभी खाली खाली है, क्योंकि आज तो वीकडेज है इसीलिए खाली है, नहीं तो वीकेंड्स में अगर आप लोग आते हैं तो फिर बहुत ही भीड़ होता है वीकेंड्स में, बहुत ही। मतलब ये जो जगह खाली दिख रहा है ना, ये पूरा जगह भर जाता है वीकेंड्स में। तो आप लोग भी अगर आए तो आ सकते हो वीकेंड्स में, या तो फिर अगर भीड़ अगर कम चाहिए तो फिर आप लोग आओ वीकडेज में। और एक बात है, ये जगह अगर आप लोग दोपहर को आते हो बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही गर्म, मतलब बहुत ही गर्म है ये जगह, बहुत ही गर्म हो जाता है। तो बेटर होगा कि आप लोग दोपहर के बाद निकलो बेंगलोर से, तो फिर 4-5-6 बजे तक यहाँ पे आ जाओ और 7 PM यहाँ पे लाइट एंड साउंड एंड लाइट शो होता है, तो आप लोग देख सकते हो तब आके। तो
यही है यहाँ पे, देखो चलिए आगे जाके देखते हैं। और अगर आप लोग इस जगह के साथ और भी कुछ जगह देखना चाहते हो, जैसे कि नंदी हिल्स, नंदी हिल्स बहुत ही नज़दीक है। अगर आप लोग सुबह निकल जाते हो बेंगलोर से, नंदी हिल्स पहले देख लेते हो और उसके बाद यहाँ पे आते हो, वो भी कर सकते हो। तो मैं तो यहाँ पे ही डायरेक्ट चला गया था, क्योंकि नंदी हिल्स मैं नहीं गया। और दूसरा कोई वीडियो मैं लाऊंगा, उसमें नंदी हिल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और अगर और भी कुछ जगह यहाँ पे आसपास है वो भी मैं दिखा दूंगा। तो चलो पहले सामने से ये दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे आप लोगों को एक भगवान शिव का टेंपल मिलेगी। आप लोगों को जो दिख रहा है ये टेंपल है, और यहाँ पे आप लोग पूजा भी दे सकते हो। यहाँ के इसके अंदर वीडियो करना मना है, इसलिए मैं वीडियो कर नहीं पाया। आप लोग अगर आओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। एकदम ठीक इसका नीचे, इस स्टैचू का नीचे ही एक टेंपल है। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे महादेव का ये जो मूर्ति, आधा मूर्ति है, ये बना है फुल्ली आयरन से। फुल जो स्टैचू है आयरन से ही बना है, देखो ये देखो, और बहुत ही बड़ा है ये। ये जो स्टैचू है, स्टैचू का राइट साइड में आप लोग अगर जाओगे तो आप लोगों को इधर से जो शूज़ आप लोग दिया था, उधर जमा किया था, उस वो शूज़ आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ से। और यहाँ पे एक नर्सरी भी है, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद ये एक फूड कोर्ट है, तो चलते हैं अंदर फूड कोर्ट के अंदर, देखते हैं क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है। चलो अंदर जा कर देखेंगे, बहुत ही बड़ा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या खाना मिल रहा है विथ प्राइस, आप लोग देख लो। ये देखिए यहाँ पे और भी एक दूसरा फूड कोर्ट है, अंदर जा चलते हैं देखते हैं। और मैंने एक डोसा ऑर्डर किया जिसके लिए पड़ा है 70 रुपीस। बहुत भूख लगा है तो खाना खा लेते हैं। आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे एक डोसा ऑर्डर किया था और इसके लिए पड़ा है 70 रुपीस। तो चलो खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है वो दिखाऊंगा, तो बने रहो वीडियो पे।
When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only seven seekers remained, as they could not tear themselves away from him. तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। और अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।